कोरोना से जहां दुनिया अस्त व्यस्त हुई है, वहीं कोरोना के बढ़ते दायरे का संभल में भी इफेक्ट देखने को मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और व्यापारियों ने पुलिस को 1000 मास्क दिए हैं। एसपी ने पुलिस कर्मियों को मास्क बांटकर सुरक्षित ड्यूटी का आह्वान किया। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और जितने यहाँ पे हमारे व्यापारी बंधु हैं उन सभी की तरफ से हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों को मास्क दिया गया है कि सभी लोग जो कोरोना वायरस है उसे अपना बचाव रखें। इसमें हमारे अंकित की विशेष भूमिका रही है, उन्होंने कोऑर्डिनेट करके सभी से और 1000 के आसपास मास्क हमारे पुलिस वालों को दिया है और हम लोग अवेयर कर रहे हैं, सभी को अवेयर कर रहे हैं कि सब लोग मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ गैदरिंग में ना जाएं और लोग जो हैं अपना हाथ वॉश करते रहें, हैंड वॉश करते रहें लगातार और लगातार एक दूसरे को प्रिकॉशनरी रूप से समझाते रहें और कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये प्रिकॉशनरी अपने आप को साफ सफाई में रखें जिससे ये कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकें और इसको बचाव कर सकें। साथ ही उन्होंने सैनिटाइजर और मास्क की ब्लैक करने वालों को जेल भेजने की चेतावनी दी है। संभल जनपद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और व्यापारियों ने पुलिस को 1000 मास्क बांटे। एसपी यमुना प्रसाद ने चंदौसी कोतवाली में पुलिस कर्मियों को मास्क बांटकर सुरक्षित और बेखौफ ड्यूटी का पुलिस कर्मियों से आह्वान किया। साथ ही एसपी ने जिले में सैनिटाइजर और फेस मास्क की ब्लैक करने वालों को जेल भेजने की चेतावनी दी। मास्क वितरण का तत्काल असर नजर आया जिसके अंतर्गत सभी पुलिसकर्मी तत्काल मास्क लगाए नजर आए। हमने फेस मास्क दिया है, सभी को बांटा है अभी और अभी सभी थानों पे इसको बांटा जाएगा। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोवाइड किया कराया गया है मास्क इसको और सैनिटाइजर को भी बांटा जाएगा सभी थानों पे और सभी को हमारे जो पुलिस पर्सनल है क्योंकि ये पब्लिक में सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं का काम पब्लिक डीलिंग का रहता है तो ये अवेयर रहें और अपने आप को थोड़ा कॉशन में रखें और लोगों से एक डिस्टेंस में रह करके बातचीत करें और अपनी जो सामान्य दिनचर्या है व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाते हुए अपना प्रभावी कार्रवाई भी करते रहें। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो है एसेंशियल गुड्स में आ गया है अभी फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर तो कोई भी इसकी कालाबाजारी नहीं करे, इसको स्टॉक में नहीं रखे, अनावश्यक स्टॉक में नहीं रखे, सप्लाई करे, पब्लिक के लिए है ये और पब्लिक को उपलब्ध कराए, उसी रेट पे उपलब्ध कराए जो रेगुलर रेट है और सभी को ये उपलब्ध रहेगा और खुद का बचाव करें, दूसरों को भी इसमें सहयोग करें, अवेयर करें और चूंकि दूसरे भी बचाव में शामिल होंगे तभी ये सामूहिक रूप से मिल करके ये समस्या का समाधान किया जा सकता है। कालाबाजारी की सूचना मिल रही है, सैनिटाइजर किस तरीके से अवेयरनेस किया जा रहा है लोगों को कोरोना वायरस को लेकर? सर, कोरोना वायरस जो है ये हमारे पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है, ये हमारी खाली प्रशासन की एक लड़ाई नहीं है, इसमें हम केमिस्ट एसोसिएशन के जितने भी हमारे सदस्य हम सब मिलकर इसमें प्रशासन का साथ देंगे और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर समय तत्पर रहेंगे और कोई कालाबाजारी और किसी प्रकार की मतलब स्टॉक अपने पास आदमी नहीं रखेगा। कितने मार्क्स आज बांटे गए? आज कम से कम 1000 मार्क्स बांटे। किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोग? हम लोगों को बता रहे हैं कि एक बात करते हैं कि इसमें आपका डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा बाप हाथ नहीं मिलाना है हमें लोगों से और मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मतलब ज्यादा पैनिक ना हो, केवल हमें प्रिकॉशन रखें।